17 तारीख की दोपहर के समय पर राधिका के राधिका जो LLB पढ़ रही है सेकेंड ईयर में, वो लड़की को रैन बाजार पोल्यूशन लिमिट में मुस्तफ़ा नामक एक लड़के से परिचय हुआ। परिचय कुछ ज़्यादा ही डीप हुआ तो मुस्तफ़ा ने उस लड़की को मेरे परिवार से मिलाना है, आइए बात करेंगे। 17 तारीख को दोपहर के समय पर मुस्तफ़ा ने राधिका को बुलाया, बुलाकर बड़ी बेरहमी से राधिका का उसने उसी के घर में, मुस्तफ़ा के घर में मर्डर कर दिया और लाश को वहीं छोड़ दिया। राधिका लड़की नारायणखेड़ में रहने वाली, वहाँ पैदा हुई और हाल ही में दत्तात्रेय नगर जो आसिम नगर क्षेत्र है वहाँ पर आकर उसका परिवार रहने लगा। बहुत ही गरीब परिवार है जो इसी समाज से संबंधित है। उस लड़की को बेरहमी से इस मुस्तफ़ा नामक व्यक्ति ने मार दिया। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जैसे अगर हम इसको लव जिहाद का भी नाम दें तो कोई गलत नहीं है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में इसको अंजाम दिया गया। आज मैं कई राजनेताओं को ये पूछना चाहूँगा, हाथरस में अगर कोई कांड होता है तो सारे के सारे लोग रैली निकाल कर चले जाते हैं, राहुल गांधी हो या भीम आर्मी के अध्यक्ष हो, जो भी हो। लेकिन आज एक दलित समाज की लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा गया, कम से कम उस लड़की के परिवार से कोई बात करने वाला आज नहीं है। आज हम हमारे से जितना हो सक रहा है उतना उस परिवार को हम बात कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये मुस्तफ़ा जो लड़का है, इस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उसकी भी कार्रवाई हम पूरा अंत तक हम करेंगे और उस लड़की के पूरे परिवार के हम साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज जो हैदराबाद का जो CP है वो खामोश है, यहाँ की TRS की सरकार वो खामोश है, तमाम राजनेताएं वो खामोश है। क्यों? क्योंकि मर्डर करने वाला एक मुसलमान है और मरने वाली एक दलित समाज की लड़की है, इसलिए ये लोग खामोश हैं।